हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 10 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द गुवाहाटी रेलवे स्टेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट इवर रेलवे स्टेशन इन द इंडियन रेलवेज टू गेट एन ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT फॉर प्रोवाइडिंग पैसेंजर एमिनिटीज इन ए क्लीन एंड ग्रीन एनवायरमेंट। मेनी टाइप ऑफ ISO सर्टिफिकेशन एग्जिस्ट एंड द वन रिसीव्ड बाई गुवाहाटी रेलवे स्टेशन इज ISO 40001, विच इज फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स विच वर अपग्रेडेड इन 2015। दस द स्टेशन सर्टिफिकेट रीड्स ISO 40001 2015। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जिसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण से स्वच्छ और हरे वातावरण में यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त किया है। कई प्रकार के ISO प्रमाण पत्र मौजूद हैं और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन द्वारा प्राप्त ISO 14001 है, जो कि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए 2015 में उन्नत किए गए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार है। इस प्रकार स्टेशन का प्रमाण पत्र ISO 14001 2015 पढ़ा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। द US डेजिग्नेटेड ईरान्स रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स ए फॉरियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट द US हैज़ डेजिग्नेटेड एन एंटिटी ऑफ अनदर गवर्नमेंट एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्लेसिंग ए ग्रुप विद वेस्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट आंसर ओनली टू ईरान्स सुप्रीम लीडर इन द सेम कैटेगरी एज अल कायदा एंड द इस्लामिक स्टेट। अमेरिका ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन नामित किया है। यह पहली बार है कि अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन के रूप में किसी सरकार की एक इकाई को नामित किया है। इस समूह को विशाल आर्थिक संसाधनों के साथ रखा गया है, जो केवल ईरान के सर्वोच्च नेता को अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के रूप में जवाब देता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफेंस न्यूज, रक्षा समाचारों की। द सिक्स्थ एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द श्रीलंका आर्मी एक्सरसाइज मित्रा शक्ति कंक्लूडेड इन श्रीलंका। भारतीय सेना और श्रीलंका सेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का छठा संस्करण श्रीलंका में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट, मिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर गो टूगेदर टू पार्टिसिपेट इन ए जॉइंट एक्सरसाइज इन बबीना कंटोनमेंट इन झांसी। The 3-day exercise Bold Kurukshetra 2019 is being conducted to develop military technology, boost maritime security and bolster the nation's fight against terrorism. भारत और सिंगापुर के सैन्य बलों ने झांसी के बबीना छावनी में एक संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। 3 दिवसीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 सैन्य प्रौद्योगिकी विकसित करने, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने और आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रों की लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, रैंकिंग रिपोर्ट्स की। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ रिलीज्ड द नेशनल रैंकिंग ऑफ हायर इंस्टीट्यूशंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट HRD इन न्यू दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास टॉप्ड द रैंकिंग वाइल द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर बैग्ड द सेकेंड रैंक फॉलोड बाई IIT दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटीज मिरेंडा हाउस वाज रैंक द बेस्ट अमंग कॉलेज अक्रॉस द कंट्री वाइल द वर्सिटी जो सेंट स्टीफन कॉलेज वाज रैंक फोर्थ।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने दूसरा और फिर IIT दिल्ली ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस देश भर के कॉलेजों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है, जबकि वर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज को चौथे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट, एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इंडिया रिटेन्ड इट्स पोजिशन एज द वर्ल्ड्स टॉप रिसिपियंट ऑफ रिमिटेंस विद इट्स डिस्पोरा सेंडिंग ए वूपिंग $79 बिलियन बैक होम इन 2080। इंडिया वॉज फॉलोड बाई चाइना। द रिपोर्ट वॉज टाइटल्ड एज वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। ओवर द लास्ट 3 years, इंडिया हैज रजिस्टर्ड ए सिग्निफिकेंट फ्लो ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम $62.7 बिलियन इन 2062, $65.3 बिलियन USD इन 2070। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने प्रवासी भारतीयों द्वारा 2018 में $79 बिलियन अमेरिकी डॉलर घर वापस भेजे जाने के साथ दुनिया के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। भारत के बाद चीन $67 बिलियन अमेरिकी डॉलर और मैक्सिको $36 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। रिपोर्ट को विश्व बैंक के प्रवासन और विकास संक्षिप्त के रूप में नामित किया गया है। पिछले 3 वर्षों में भारत ने 2016 में $62.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से $65.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषणों का एक महत्वपूर्ण प्रवाह दर्ज किया है। बात करते हैं बैंकिंग न्यूज, बैंकिंग समाचार की, और ये हमारी लास्ट न्यूज है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केम आउट विद गाइडेंस फॉर बैंक्स टू सेट अप न्यू करेंसी चेस्ट विच इंक्लूड ए मिनिमम एरिया ऑफ 1500 स्क्वायर फिट फॉर स्ट्रॉन्ग रूम। द न्यू चेस्ट शुड हैव ए प्रोसेसिंग ए कैपेसिटी ऑफ 6.6 लाख पीस ऑफ बैंक नोट पर डे। भारतीय रिजर्व बैंक ने नई करेंसी चेस्ट स्थापित करने के लिए बैंकों के दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कार्यालय के लिए न्यूनतम 1500 वर्ग फुट का क्षेत्र शामिल है। नए चेस्ट में प्रतिदिन 6.6 लाख बैंक नोटों की क्षमता होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार, जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल और एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन अकेडमी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।